गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। टुडे इन साइंस लेसन नंबर 7 वी विल रीड हेल्दी हैबिट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टुडेज डेट 29/11/21 मंडे। ओके, नाउ हियर इन सम बुक देयर इज अ डिफरेंट कंटेंट बट द लेसन एक्सप्लेनेशन इज द सेम। सो दिस इज माय ओल्ड बुक, ये मेरा ओल्ड बुक है, इसीलिए so you are having some different। ठीक है, we have a wonderful body, it has many parts, each part help us to do various activity। अपनी बॉडी कैसी है? वंडरफुल है। हमारी बॉडी बहुत ही वंडरफुल है, बहुत खूबसूरत है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, अपने बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है। इच पार्ट्स हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटी, अपने हर एक पार्ट जो है अलग अलग एक्टिविटी करता है। जैसे कि हम वॉक करते, किक करते, राइटिंग करते, कुछ भी होल्ड करते, उठाते। ठीक है, नाउ वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्दी। हमें थोड़ी गुड हैबिट्स भी रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और नीट एंड क्लीन भी रहे। ओके, आवर सेंस ऑर्गन्स आर, यू नो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, विच आर देयर? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड दी स्किन। ओके, नाउ दे हेल्प अस टू, आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, टेस्ट मीन्स टंग हेल्प अस टू टेस्ट, यस, एंड द स्किन हेल्प अस टू फील। जो भी हम टच करते हैं वो फील होता है। नाउ अवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प अस इन ऑल अवर एक्टिविटी। हमारे सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमें कोई भी एक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन, हमारे सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके हमें प्रॉपर केयर करनी है। नाउ वी शुड कीप अवर सेंस ऑर्गन क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। आपको हार्म लिखा है, यहाँ पे मेरे को डैमेज लिखा, मीन्स हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमें हमें क्लीन रखना है एंड उसे हमें प्रोटेक्ट भी करना है, उसको अच्छे से संभाल के भी कुछ भी डैमेज हो जाए तो उसका ध्यान देना है। ओके, नाउ टर्न द पेज। नाउ द फर्स्ट अवर ऑर्गन इज आइज। आइज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट मीन्स बहुत ही नाजुक होती है हमारी आँखें। ठीक है, वी शुड वॉश अवर आइज डेली विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर। हम कहीं भी घूम के आते हैं तो हमें पहले अपनी आइज जो है उसको अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, ज़्यादा मोबाइल में गेम्स खेलना भी, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल टू अवर आइज। वी शुड नॉट रब और टच द आइज विथ अ डर्टी फिंगर, हमारे गंदे हाथों से या गंदी उंगलियों से हमें आइस को टच नहीं करना है। और डर्टी हैंडकरचीफ, अगर अपना हैंडकरचीफ भी गंदा है तो उसको आइस को नहीं लगना। वी शुड ऑलवेज स्टडी और रीड इन अ प्रॉपर लाइट, जहाँ भी अच्छी सी लाइट होती है वहाँ पे हमें अच्छे से बैठ के स्टडी करना है, रीड करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट और रीड। वी शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम इंजरीज, हमें अपनी आँखों को अच्छे से कुछ भी इंजरीज होने से बचाना है, कुछ भी हार्म होने से, कुछ भी नुकसान होने से हमें अपनी आँखों को बचाना है। ओके, द नेक्स्ट ऑर्गन इज द ईयर्स। वी शुड नॉट क्लीन द ईयर्स विथ एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, हमें अपने ईयर्स को कोई भी शार्प थिंग्स, जैसे कि ऐसी वाली शार्प थिंग्स होती है या फिर कोई भी पॉइंटेड चीज़ है उसे हमें क्लीन नहीं करना है। वी शुड, दिस कुड डैमेज द ईयर ड्रम्स, हमारे ईयर्स ड्रम होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कान के पर्दे होते हैं अंदर, वो डैमेज हो सकता है। वी शुड कवर आवर ईयर्स इफ़ वी देर इज़ वेरी लाउड नॉइज और साउंड, अगर कहीं बहुत जोरों जोरों से साउंड वॉइस और नॉइज़ हो रहा है तो वी हैव टू कवर आवर ईयर्स। ठीक है, नाउ द नोज, द नेक्स्ट ऑर्गन इज द नोज। When we wash our face every morning, we should always clean our nose. जब हम morning में अपना face wash करते हैं तो पहले हमें हमारा nose भी clean करना है। We should always use a clean tissue paper or handkerchief to clean our nose. जब भी हम अपना nose clean करते हैं
तो टिश्यू पेपर यूज़ करना है या फिर हैंकी से अपना नोज़ क्लीन करना है, ना अपने कपड़ों से या ड्रेस जो पहने उससे भी कई लोग क्लीन कर देते, दैट इज़ अ बैड हैबिट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टंग। वी नीड टू क्लीन अवर टंग एवरी मॉर्निंग व्हेन वी ब्रश अवर टीथ। जब भी हम अपना ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लीन अवर टंग ऑल्सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्किन। स्किन इज ऑल्सो वेरी, वी हैव टू पुट वेरी क्लीन। ठीक है, केयर ऑफ द बॉडी इज केयर ऑफ द स्किन, मीन्स हमारी बॉडी को अगर हम केयर करेंगे तो हमारी स्किन भी को हमें, मीन्स हमें हमारी बॉडी स्किन को भी क्लीन रखना है, मीन्स अपनी बॉडी अपने आप ही क्लीन हो जाती है। ठीक है, अगर हमें अपनी बॉडी क्लीन रखनी है तो हमें अपनी पहले स्किन भी क्लीन करनी है। वी शुड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइल टेकिंग अ बाथ। जब भी हम बात करते मीन्स नहाते, तो हमें हमारी बॉडी के एवरी पार्ट होते हैं, मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट हमें क्लीन करना है, अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना है। वी शुड ड्राई अवर बॉडी विथ क्लीन टॉवल बिफोर वी वेयर फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें नहाने के बाद पहले अच्छे से टॉवल में, जो क्लीन टॉवल होता है उससे हमारी बॉडी वाइप करनी है, मीन्स पोछ देनी है, एंड फ्रेश कपड़े पहन लेने के हैं, क्लीन कपड़े। नाउ वी शुड चेंज अवर अंडर गारमेंट्स एवरी डे। हमारा अंडर गारमेंट्स होता है उसे हमें डेली चेंज करना है। ओके, नाउ दिस पेज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हियर ओनली यू हैव टू चेंज द सेंस। माय नोज हेल्पर्स मी टू कीप लुक एट द बर्ड। तो हियर यू हैव टू चेंज द, इन प्लेस ऑफ नोज यू हैव टू राइट आइज। हियर आई एम हैविंग ओनली थ्री, एंड ऑलरेडी वी कंप्लीटेड दिस वन इन अवर ऑनलाइन क्लास। ओके स्टूडेंट।